Welcome to my YouTube channel Kinu Fitness here. मैं बहुत happy हूँ कि सुहास खान का सर ने मेरे को reply किया है all the best करके. Hi guys, जैसे मैंने बोला था Insta पे मैंने story डाला था कि मैं fitness vlogging करूँ या normal. तो बहुत जनों ने मेरे को normal text किए, call करके बोले कि तू भाई fitness पे जा, क्योंकि तेरा पूरे family में जो है सब कोई fitness में और तू भी वही करना चाहता है. तो इसके लिए मैंने फिटनेस का स्टार्ट किया व्लॉगिंग. तो ये मेरा पहला इंट्रो है क्योंकि मेरे सब दोस्त यहाँ पे, तो मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट फिटनेस की व्लॉग स्टार्ट करूँ, पर उसके पहले इंट्रो देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सबको लग रहा है कि मेरा सॉन्ग रिलेटेड कुछ आएगा या रैप रिलेटेड कुछ आएगा. तो ब्रो ऐसा है, मेरा खुद का ड्रीम था कि अगर मेरी जो पहली वीडियो आएगी तो रैप की आएगी और वो भी गिरगांव के ऊपर से आएगी. तो ऐसा हुआ नहीं, बट क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रो इसमें सब में. और रिसेंटली की बात है कि मेरे दो दोस्त हैं ना जिनको हम लोग सिखा देते हैं कि ब्लॉगिंग में कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, फ़ोटोशूट से लेके हर एक चीज़. तो ब्रो उन लोग ने ना मतलब थोड़े थोड़े करके फैंस बढ़ रहे, अच्छी बात है, सबकी दुआ लगे उन लोग में भी फैंस बढ़े. बट जलन मत करो ब्रो, तू जैसे एक वीडियो में बोला था, जैसे रानी जैन बोलता है कि जलो मत, बराबरी करना सीखो. ब्रो पहले तू बराबरी करना सीख ले, फिर जलने की बात दूर की है. और ये किसी के लिए मैं डिस टाइप नहीं ला रहा हूँ ब्रो, ये ब्लॉग है जिम का है, तो मैं उसमें कपड़े खरीद के नहीं दिखाऊंगा, बट प्रोटीन खरीद के ज़रूर दिखाऊंगा कौन से प्रोटीन चाहिए कौन से नहीं चाहिए. तो फाइनली मैंने स्टार्ट करना चालू. तो आई होप कि सबको अच्छा लगे और सबके दिल से, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती नहीं कोई फिटनेस का व्लॉग डाला है, कोई पहचान का डाला है, पहचान वाले ने डाला है, लाइक करता हो या डिसलाइक करता हो या सब्सक्राइब करता हो इसके चैनल को, ऐसा मत करो ब्रो. अच्छा लगेगा तो ही करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे, ये ब्लॉग मेरा है ब्रो. तो दिल से करना रहेगा तो दिल से करो, क्योंकि मेरे होमी कौन सा प्रोटीन लेता है, कौन सा गेनर लेता है, क्या करता है, तेरा डाइट प्लान क्या रहता है ब्रो. तो अगर तू जिम कर रहा है ना तो कंपलसरी तुझे प्रोटीन लेने की ज़रूरत है. उसके अलावा तेरा डाइजेशन नहीं होगा, तेरा डाइट परफेक्ट रहेगा ना तो भी कुछ कुछ कमजोरियाँ रहते हैं उसमें कि तेरा डाइट की वजह से पूरे नहीं होते. तो प्रोटीन लेना एक ज़रूरत है कि खुद के बॉडी के लिए, दूसरों के लिए नहीं, दिखाने के लिए कि तू बॉडी बना रहा है, मैं प्रोटीन खा रहा हूँ ये खा रहा हूँ. ब्रो अपन कुछ भी करते हैं ना अपने खुद के बॉडी के लिए लेकर कर रहे हैं, ओके. तू पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बॉडी बिल्डिंग ना उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है. वो खाने की चीज़ नहीं है कि हम लोग ने एक बार डब्बा खा लिया, एक बार प्रोटीन खा लिया तो हम लोग की बॉडी क्यों नहीं बन रही. तो तेरे डाइट के हिसाब से चलेगा वो. ये सुहास खामकर आप जानते होगे, अगर नहीं जानते तो ये है सुहास खामकर जिन्होंने 10 बार मिस्टर इंडिया हुए, 8 बार मिस्टर महाराष्ट्र हुए और लगातार है ना मतलब नामचीन बॉडी बिल्डर है. अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है ब्रो, नहीं जानते तो आई एम सॉरी, बट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो उन लोग ने उन्होंने मेरे को थैंक मैं उनको बोला था थैंक यू सो मच करके, उन्होंने मेरे को बोला डायरेक्टली कि मैं उनको डाला था दादा सरसा है मजी फर्स्ट ब्लॉग है. तो उन्होंने मेरे को बोला बेस्ट ऑफ ब्लॉग ये वो, तो मैं उनको भी बोला थैंक यू सो मच करके. तो बोलते ना कि एक कभी डर के वजह से रहा नहीं है कुछ भी, कि मैं बिंदास कर रहा हूँ सब कुछ और क्या बता नहीं सकते. अभी मेरे गुरु ने ना मतलब उन्होंने मेरे को बोलते बेस्ट ऑफ लक करके बोला था. तो मेरे गुरु का नाम है बाय द वे सुहास खामकर, जिनको देखे मैं मोटिवेट हुआ जिम के लिए. और उसके भी पहले मतलब हमारे घर में ना सब बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, जैसे मेरा भाई, तो उसको देखते भी हम लोग बहुत मोटिवेट होते थे. मैं और मेरा भाई जैसे साहिल, हम दोनों ने ना मतलब बचपन से सोच के रखे थे कि हमें आगे बढ़ के जिम ही करना है और कुछ नहीं करना है. बट कुछ कुछ हालात ऐसे थे ना कि कभी नहीं करने मिलता था, कभी डाइट नहीं होता था, कभी हम लोग भटकते थे यहाँ पे. होता है जब कॉलेज एज में अपन जाते हैं ना तब सब होता है ये ब्रो, कि ये नॉर्मल चीज़ है. तो सडनली मैंने एकदम दिल पे ले लिया है कि अब मुझे जिम ही करना है, यही करना है और पूरा फोकस उस पर. तो मैं फट फट करके गेन भी हो रहा हूँ, तो सबको लग रहा है ये ब्रो स्टेरॉइड ले रहा है, ये वो ले रहा है, ये गेनर ले रहा है. हाँ प्रोटीन तो मैं लेता हूँ ब्रो, ओके. मैंने मास गेनर डाला है अभी और रिसेंटली, तो गेनर और प्रोटीन के बारे में भी आपको रिलेटेड सब बताऊंगा बहुत जल्दी. बट ये यूट्यूब पे ना मतलब सब बता दे कि ये करो वो करो,
और आपको पता आपका क्लीन डाइट रहेगा ना, तो ब्रो कौनसे भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और सप्लीमेंट खा के भी सिर्फ बॉडी नहीं बनती, उसके लिए डाइट परफेक्ट चाहिए। उसके बिना तो कोई अर्नॉल्ड ने भी मेरे को नहीं लगता कभी बॉडी बनाए रहेगी बिना डाइट की। तो डाइट कंपलसरी है। और सुभाष कामकर ने मेरे को जो बोला, जो सर की बात है, तो सर को अब सब पहचानते रहिए। ओके, मैं खुद बोला आपको उनसे मोटिवेट हुआ। तो सर ने रिसेंटली सर को प्रो कार्ड मिला था, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को नहीं मिला। उन पर देशद्रोही का बोलते ना, जैसे वो डाला था, नाम डाला था, ये है वो है, ब्रो ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी थिंकिंग अलग है, सब बोलने की चीज़ है। अगर आपको पता है कि जो चीज़ अच्छी होती है ना, तो उन पर कीचड़ ज़रूरत से ज़्यादा उड़ाई जाती है। तो वही चीज़ हुई थी। तो ऐसा मत करो ब्रो कि उन्होंने आखिर में हमारा इंडिया का फ्लैग लेके खड़े थे, तो वो बात भी नहीं बोलना। और मैं खास करके दानिश जैन के फैंस की बात करूँ, तो हेलो ऐसा करो, वो बंदे को भी अच्छा लगे हम कसम से, दिल से बहुत बोलता थी। मैं खुद उसको फॉलो करता था, तो भाई की बात भी ऐसी थी ना कि भाई ने बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बना दी, बहुत अच्छा नाम बना लिया। वो जलने वाले बहुत थे। ओके, आप उसकी तरह बाल कलर करो, ओके फाइन, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। उसकी तरह फिजिक भी बनाओ, सब अच्छा करो। बट वो बंदा दिल से बहुत अच्छा था, उसके काम अच्छे थे, तो तुम लोग वो काम अच्छे भी करो। ओके, जो यूट्यूब पे बता रहे हो खुद को कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, रियलिटी में भी वैसा करोगे ना, तो ब्रो सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि आखिर में घर वाले भी उसके भी सोचेंगे, वो भी कहाँ पे ना कहाँ पे तुम लोग को देखता रहेगा, तो वो भी क्या सोचेगा कि हाँ मेरे फैंस कुछ कर रहे हैं, बट हकीकत में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ना भाई। तो फटफट जाके वैसा हकीकत में भी करो। ओके, और कुछ नहीं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लेट्स सी माय नेक्स्ट वीडियो।